मोर्ग स्टेशन में मोटरसाइकिल भिड़ंत में 3 युवक हुए घायल। मोर्ग आबादे मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई भिड़ंत। इतनी तेज थी, तेज आवाज सुनकर सामने स्कूल के सभी छात्रों बाहर आ गए और घायलों को मोर्ग अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झालावाड़ रेफर कर दिया। घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। हॉस्पिटल में फिर 108 का इंतजार करना पड़ा। काफी देर बाद जब 108 तब मरीजों को ले जाया गया। मोर्ग हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होने के कारण कंपाउंडर ने करा प्राथमिक उपचार। आजादी के 72 साल बाद भी नहीं बनी गांव में सड़कें। ग्राम पंचायत को कड़ा खुर्द के गांव मानपुरा की ये हालत, जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस भारी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में 8वीं तक ही स्कूल होने के कारण यहां से बच्चे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी इसी घमासान कीचड़ से होकर तय करते हुए ग्राम पंचायत को कड़ा खुर्द के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुँचते हैं, जिसका जहाँ तक के रास्ते की हालत ऐसी ही है। और इधर भी गाँव की कच्ची बस्ती टापरियों के छोटे छोटे बच्चों को भी गांव के ही स्कूल में पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक इसी कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी सजा सबसे ज्यादा बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। कई बार बच्चे इस नाले में गिरकर घायल होने की घटनाएं घट चुकी है। आज के दिन आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को हम ग्रामवासी मनाते तो है, पर बहुत से गांवों की इस तरह की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि देश को तो आजादी मिल गई पर देश के गांवों को नहीं। निजी स्कूल के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम मोड़ थाना अधिकारी डॉक्टर रवीश सांवरिया ने करी शिरकत। विद्यार्थियों और ग्रामीणों को दिए मार्गदर्शन। साथ में भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मोहसिन खान, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा इमरान अहमद कादरी भी रहे मौजूद। उनको सादर उन्हें नमन है। वो तो हमें स्वतंत्र कर गए और हमारे लिए इतनी बड़ी विरासत छोड़ गए, लेकिन उसके बाद आज हमारे भी कुछ अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य बनते हैं। हम जब भी अच्छे आदमी के रूप में जाने जाएं, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है।